अरे यहाँ से कैसे निकल जाएंगे? YouTube चैनल फेम ब्लॉग, कैसे हैं आप लोग गाइस? जैसे कि अभी आपने देखा, हम जा रहे हैं जंगल के भीतर से, और किस तरीके से हमें एक बिल्कुल एक नीचे पड़े हुए पेड़ से हमें गुजरना पड़ा है गाइस। इतना रिस्की था कि अगर यहाँ पर इस रास्ते पर किसी नए इंसान को लाकर छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि वो धोखा उठा जाए, क्योंकि पेड़ इतना नीचा था कि बिल्कुल हमें बाइक की सीट पर लेटना पड़ गया। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके प्यारे फहीम भाई जो कि जिनका ये ऑफिशियल चैनल है, मैं तो कभी कभी इस चैनल पे ब्लॉगिंग कर देता हूँ, आखिर आज हुआ ये है हमारे अरबाज खान गाइस। आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरती इनकी चेहरे से झलक रही है, तोपे में और ही खूबसूरत लगते हैं। तो ऐसा था, हम लोग आज प्लानिंग हमारी ये बनी कि हम बनाएंगे कस्टर्ड। तो दोस्तों, कस्टर्ड बनाने के लिए हमें भैंस का दूध जो कि प्योर होता है, वो दूध लाने के लिए दोस्तों हमें जाना पड़ रहा है डेयरी पर। गाइज, यहाँ की डेयरी ना गांव की थोड़ी सी अलग होती है, जैसे कि आपने सिटीज़ की टाउन्स की डेयरीज देखी होंगी कि कितनी वाई स्टैंडर्ड डेयरीज होती हैं, लेकिन यहाँ होता क्या है दोस्तों, डेयरी बना रखी है इन लोगों ने जंगलों में और रेतीली जगहों पर, क्योंकि ज़्यादा भैंसें होती हैं और वो जंगल का ही चारा खिलाते हैं उन्हें। तो प्लान ये बना कि चलिए भाई 5-6 लीटर दूध लाया जाए, और उसके बाद कस्टर्ड बनाएंगे, रबड़ी बनाएंगे, खोया बनाएंगे। और इसी सिलसिले में हमने अपने मामा को भी बुलाया था कि मामा आएंगे तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे और उसके बाद सारे लोग जाएंगे दूध लेने, तो अलग ही एक माहौल होगा। देख सकते हैं गाइस किस तरीके से हम जंगल के भीतर से बेझिझक, निडर, बेडरे निकलते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, और अरबाज खान की मुस्कुराहट जो है वो कम ही नहीं हो रही है, हंसे जा रहे हैं। हम जंगल से निकलकर और जंगल के बाहर आ चुके हैं, क्या तू समय, और हमारे सावेज भाई और फैयाज मामा जो हैं वो भी जंगल के बाहर आ चुके हैं, और हमारे फहीम भाई जिन्हें दूध की गाड़ी सौंपी गई थी वो भी विराजमान हो चुके हैं। फहीम भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करोगे तो तभी हमारा चैनल ग्रो होगा, वरना चैनल ग्रो करने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं है, केवल आपके सिवा। हाँ भाई साहब, कुछ कहना चाहोगे? जंगल का सफर कैसा था? चाहूँगा सफर बहुत बढ़िया था, लेकिन सफर के साथ साथ पहले ये कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फहीम भाई के ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाएं, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही अरे हटाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों जंगल के बाहर महाराज नगर। आप देख सकते हैं गांव लगभग 8 किलोमीटर की रास्ता तय करके, और हम यहां पर रुके हैं दोस्तों। क्या ही हवा लग रही है यहां जंगल की, ठंडा पानी, मतलब माहौल देख के हमें रुकना ही पड़ गया दोस्तों, यहां पे रिलैक्स। तो गाइज, हम लोग एंट्री कर चुके हैं एक ऐसा गाँव जो की जंगल के बीचों बीच बना हुआ है दोस्तों। इस गाँव को जाना जाता है महाराज नगर के नाम से, सारे लोग आगे पीछे इस गांव में बढ़ते हुए दोस्तों, इस गांव को पार करके हमें और भी कोई गांव पार करना है, एक गांव और है टांडा। टांडा दोस्तों, महाराज नगर से निकलने के बाद हमें टांडे से निकलना, टांडे से निकलने के बाद हम पहुंचेंगे डेयरी पर, नदी के किनारे, नदी का किनारा। तो गाइस, महाराज नगर से हम निकल कर आ चुके हैं टांडे में। तो दोस्तों, ये है टांडा, और टांडे से हम निकल रहे हैं आगे की ओर दोस्तों, डेयरी की ओर बढ़ते हुए। इधर सावेज भाई को जो है हमारे आंखों में धूल कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है, शायद एलर्जी वगैरह है इन्हें, इसीलिए इन्हें बार बार चिल मची है हमसे आगे निकलने की, रास्ता पता नहीं है, और रास्ता पता नहीं है इन्हें, आए हैं पहली बार अरबाज भाई के साथ। तो गाइस, जैसा कि हम टांडे से निकल कर और बढ़ रहे हैं डेयरी की तरफ, तो दोस्तों कुछ बहुत ही खतरनाक रास्ते इधर हैं बने हुए। पीछे देख सकते हैं आप कि साबेस और फहीम भाई किस तरीके से आ रहे हैं, और गाड़ी चलाना यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो रहा है, क्योंकि रेत ज़्यादा है। गाइस, रास्ता आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके की दोस्तों, यहाँ पर हैरो निकाल के और रास्ता जोत दी गई है, तो हमें बिल्कुल घास के ऊपर से गाड़ी चलानी पड़ रही है, और यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी नज़र पलटी
या चूक हुई तो हो सकता है कि गाड़ी हमारी खेत में गिर जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे। मामला ख़राब है। आगे देख के, आगे देख के, आगे इधर इधर इधर। गाइस बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ से गाड़ी निकालना, क्योंकि पूरी रास्ता ख़राब हो चुकी है। गाइस रास्ता सही होने की उम्मीद जो है वो हमें बिल्कुल ख़त्म होती सी नज़र आ रही है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम जितना आगे बढ़ेंगे और रास्ता उतना ही बेहतर मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल इसके अपोजिट हो रहा है। दोस्तों समझ ही नहीं आ रहा है यार, रुक जाओ, उन्हें आ जाने दो। गाइस यहां पर अरबाज खान की गाड़ी गिर चुकी है, हुआ धोखा अरबाज खान से।